खवातीन हज़रात में यकसा मुफीद कुव्वत हयात की कमी, असाबी कमज़ोरी, जबकि मर्दों के लिए हर किस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद शुजात गर्देदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं किसी भी हवाले से। ये मेडिसिन कितनी बायोकेमिक साल्ट पर मुश्तमिल है और किन अलामात पर आपने यूज़ करनी है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और आपको ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी और कितना अर्सा आपने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों को बताऊँगा। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। और ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपकी बहुत सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। बहुत लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कम्बिनेशन नंबर 27 तीन बायोकेमिक साल्ट का मजमू है और ये तीनों बायोकेमिक साल्ट आपके जिस्म के अंदर जो इन तीनों निमकियात की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनके लिए बहुत लाजवाब मानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी अलामत जो रोनमा होती हैं ख्वातीन हज़रात में, जैसे उनको अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। जब वो ओवर 30 ओवर 35 होते हैं तो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते और अक्सर फिक्रे माश में गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, एग्जाइटी का शिकार रहते हैं, नींद कम आती है, बहुत सारे मामलों में वो उलझे रहते हैं, बहुत जल्द थकावट हो जाती है और अपना ख्याल बिल्कुल भी रख नहीं पाते और उस वजह से उनको बहुत सारी कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। ख्वातीन में ब्लड की कमी हो जाती है और जबकि मर्द हज़रात मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और उस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म की अलामत उनमें रोनमा होती हैं, जैसे उनको कमर में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी शुरू हो जाती है, लागरी शुरू हो जाती है और जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, नींद उनको नहीं आती, मुख्तलिफ किस्म की सोचों में गुम रहते हैं और इसके साथ साथ मर्द हज़रात में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनमें उनको जिंसी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम होती है, आम कमज़ोरी होती है, थकन का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़हनी थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और ख्वातीन भी बहुत ज़्यादा ज़हनी थकावट महसूस करती हैं। इसके साथ साथ जिंसी कमज़ोरी के साथ साथ रुतुबात का इखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है और रुतुबात के इखराज से उनके जिस्म में कुव्वत हयात की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस का जो है प्रॉब्लम रहता है। और ऐसे इसके बाद जिंसी कमज़ोरी के बाद और फिर जो सूरत अंदाज का मसला होता है उसके बाद फिर उनका जो मादा मनविया होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। इसके सारी सिचुएशन में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और फिर वो इस बारे में जब मज़ीद सोचते हैं तो उनको दिमागी या असाबी कमज़ोरी होती है और फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उनको शुरू हो जाती हैं और दिन ब दिन वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल को कुव्वत हयात को जो ज़ाहिल करने वाले असरात होते हैं और जो कुव्वत हयात को बढ़ाने के लिए जो कारगर मेडिसिन है और जो इस चीज़ को बेहतर तौर पर रिकवर करती है और आपको जल्द अज जल्द ठीक कर देती है, ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए जितनी भी मैंने आपको अलामत बताई हैं ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए होम्योपैथी की ये मेडिसिन बायो कम्बिनेशन नंबर 27 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। इसमें शामिल हैं तीन बायोकेमिक साल्ट। सबसे पहले इसमें शामिल है होम्योपैथिक की बायोकेमिक साल्ट कैल्केरिया फास, इसके साथ साथ इसमें शामिल है काली फास और इसके साथ साथ इसमें शामिल है नेट्रम्मे, और तीनों ही बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है कैल्शियम की कमी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, दिमागी ताकत के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए और जिस्म में मौजूद जो केमिकल साल्ट्स होते हैं उनकी कमी के बाद जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन मानी जाती है बायो कम्बिनेशन नंबर 27। ये मेडिसिन
आपको किसी भी अच्छी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी, किसी भी अच्छी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल की आप लेके यूज़ कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल हैं जिनकी बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक हैं, जिनमें मसौद है, मैक्टम है, कैंट है, ब्रूक्स है, कमाल है और बीएम है, बहुत सारी बेहतरीन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल हैं, किसी की भी आप लेकर यूज़ कर सकते हैं और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टैबलेट दिन में 4 मरतबा आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, आप देखेंगे बहुत जल्द आप रिकवर करेंगे। इसको कम से कम आप 1 से 1.5 माह ज़रूर इस्तेमाल करें, आप देखें आप रिकवर करें तो इसको मज़ीद जारी रखें। और इसके साथ साथ एक और बहुत बेहतरीन इसकी महावन होम्योपैथिक मेडिसन है, उसको आप ज़रूर यूज़ करें। सेलेनियम को 6 एक्सटेंसी में लेके इसके साथ आप ज़रूर यूज़ करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आपने ज़रूर बताना है दोबारा फीडबैक में कि आपको ये मेडिसिन कैसी लगी और आप को ये वीडियो कैसी लगी। आपने इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका मियां नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।